हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली अजहर है। मेरा नाम अली अजहर है। दोस्तों खिलाड़ी को भी देख रहे हैं और लास्ट में हमने देखा था कि पुलिस वाले ने इन भाई ने दोनों को बुलाया कि बताओ तुम्हारी दोस्त भी हो, लेकिन भाई को ढीट हो गए और जॉनी भाई भी आ गया, वो भी एकदम ऐसे ही भुलक करे तो ऐसे ही उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मेरे छोटे बच्चे हैं तो देखते आगे भी क्या होता है। ये यहाँ पर और कोई दूसरा आया था? इधर कोई नहीं आता, इधर कोई आता है नहीं। इधर ये भैया अब तक क्यों नहीं आए? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं उन्हें सबूत तो नहीं मिल गया। हाँ राज जी, भाभी बॉनी, भैया आप कितनी देर में भैया का इंतजार करोगे? मैं खाना लगा देती हूँ। लो तुम्हारे भैया भी आ गए, अब तो खाना खाओगे। क्या हो भैया, कुछ पता चला? अरे कातिल कल पुलिस की हिरासत में होगा। वो कैसे? इस नावल के जरिए। ये नावल मुझे स्कॉटिश से मिला और मैं अभी अभी कैलाशनाथ जी से मिलकर आ रहा हूं और उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी बेटी शीतल को नावल पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। इस हिसाब जाहिर होता है कि कातिल नावल पढ़ने का आदि था। मैं कल सुबह नेशनल लाइब्रेरी जाकर रजिस्टर से उस कातिल का नाम ढूंढ लूंगा जिसने वहां से यह नावल लिया है। इसके बाद उस कातिल को पकड़ना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अरे बच गए यार, कल भैया लाइब्रेरी जाएंगे, उन्हें वहां किसी और का नाम मिलेगा। अब एक कहा किसी और का नाम लिखा हुआ है। क्यों? वो नावल मैं लेकर आया था, पर मेरा और नीलम का नाम लिखा हुआ है। तू नीलम? अरे बाप रे, हमें अभी इसी वक्त नेशनल लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। रजिस्टर यहां का चलेगा, बंद करो। चलो मेरा नाम इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा है। क्या है? इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा। तुम बीच में मत बोलो। ये नावल तुम्हारी लाइब्रेरी का है, मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने ये नावल यहां से लिया। क्या लिया? नॉवेल। जस्ट ए मिनट। ये क्या? ये पन्ना तो फटा हुआ है। यानी के कातिल को ये पता चल गया था कि मैं यहाँ लाइब्रेरी में आने वाला हूँ।
लेकिन कैसे पता चल गया था? आखिर कातिल है कौन? देखना छोड़ दो, जानती हो कौन हूं मैं? मैं इस शहर का एक इज्जतदार आदमी हूं, मेरी कोई पोजीशन है, हैसियत है? उस वक्त तुम्हें अपनी पोजीशन और हैसियत का ख्याल नहीं आया जब तुम बंद करो अपनी ज़बान, जाओ चलिए यहां से। मैं जानती हूं कैलाश, तुम जैसे मर्द क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। मैं तुम्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हूं, जिन्हें देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ जाएगा। पसंद आए? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ सौदा करना चाहती हूँ डाली। रुपए चाहिए तुम्हें? तुम सिर्फ एक ब्लैंक चेक पर अपने प्यारे प्यारे हाथों से दस्तखत कर दो, फिगर मैं खुद ही भर लूंगी। और हाँ, मेरे स्टेज शो में चीफ गेस्ट बनकर तुम ही आ रहे हो। तुम्हारा शो? जी हाँ। ठीक है, मैं चेक भी उसी दिन अपने साथ ले आऊंगा। गुड बाय। कॉलेज छूट गए, सारे लोग बाहर आ रहे हैं। पहचानो इनमें से वो लड़का लड़की कौन है जो उस दिन शीतल के साथ उस कॉटेज में गए? सर, मैं उसको गौर से देख रहे हैं। आज के शो में जूली के साथ किसका सिलेक्शन हुआ है? पता चला है आज शाम होने वाले डांस प्रोग्राम में राज और बोनी का सिलेक्शन हुआ है। राज और बोनी का सिलेक्शन? हाँ। यह इंस्पेक्टर के साथ क्या कर रहा है? भैया अन्ना को लेकर हमें पहचानने के लिए आए। ओ, चल पीछे के रास्ते निकल जाते। चल, हाँ चल। इन लोगों में तो कोई नहीं है सर। सर, उन लोगों में से एक छोकरा ऐसा नाक में डालने का। क्या डाल के? ये सूंघने का। We'll be right back.
परवाना तेरा। हे सुन जरा तू अफसाना मेरा, सब तो मेरा सलाम है, हर ज़बां पे मेरा नाम है। देखो मुझे मैं हूँ दीवाना 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 दीवाना। परवाना तेरा, पर तुम जरा
तो गाना जबरदस्त था भट्ट भाई। यहाँ पर तो सारे भाई एक साथ हमने देखा, नेवला भी था, गोलगप्पा, तोतला, नौकर, ये लड़की भी बाहर आ गई, इसको भी शायद वो गाड़ी ने पहचान लिया उसने, इसके दोस्त ने, और हाका भाई को भी पता चल गया है ये नाक में डालता है बोनी है, तो ये बोनी का भी पता चल गया है। तो शक भाई सब पे हो रहा है, बट असल कातिल का अभी तक पता नहीं चल रहा।